उन्होंने मन में पति का स्मरण करा और कहा कि साधु यानी ईश्वर के दूत इनको बैठाई है। साधुओं ने बड़ी तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्होंने बड़ी विचित्र सी उनके साथ में शर्तें रख दी जो कि उल्लेखनीय भी है। वो परीक्षा थी उनकी, उन्होंने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। वो तीनों साधु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे से बच्चे हो गए, उनको पालने में बैठा दिया और अपना स्तन पान कराया। कितने बड़े साधु को मैं मेरा स्तन स्पर्श नहीं करने दे सकती, स्तन पान नहीं करा सकती, तुम बच्चे हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ बनकर के तुम्हारा पालन पोषण कर लूंगी। ऊपर तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति देव तो घर आए नहीं, महीनों बीत गए, बरस बीत गए, घबराई उनकी जितनी भी अतीन्द्रिय शक्तियां थी वो भी नहीं ढूंढ पाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश है कहां। अंततः उनको ध्यान में आया, वहां पर पहुंची, क्षमा मांगा। क्षमा मांगने के पहले कंडीशन से अप्लाई हुआ, माँ अनुसुईया ने उनसे मांगा कि इनको वापस से अपने स्वरूप में लाना हो ना तो इनसे मुझे एक वरदान दिलवाइएगा। वो वरदान रहेगा कि इनको मेरी कोख से जन्म लेना होगा, इनके अंश को कोख से जन्म लेना होगा, इन्हीं के स्वरूप को मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इन्होंने सॉरी बोला, माफी मांगी, उन्होंने जल छिड़का, पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में आए। जब तक सृष्टि का पूरा संहार का कार्य रुक चुका था, संचालन का कार्य रुक चुका था, सृष्टि का प्रारंभ होने का जन्म देने का कार्य भी रुक चुका था, तीनों ने भी माफी मांगी और क्षमा मांगने के बाद में गए तो सबसे पहला पुत्र कौन हुआ? चंद्र, नेहत शीतल, शांत, किसी की बात की रिएक्शन ही नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते, अपने कर्म से ही मतलब रखते। बोले ये तो पूर्ण तो है शिव का स्वरूप दिख रहा है, तो लड़ी फिर उन्होंने ध्यान लगा करके, तो दूसरा पुत्र हुआ, बताइए कौन? दुर्वासा, महाक्रोधी, थोड़ी सी बात तो लाद दे, जूते दे, प्रोधितार का श्री विद्या के परम ज्ञाता, किंतु क्रोधी, इससे भी बात नहीं बनी, इन्होंने मुझे अभी भी छल कर रहे हैं, त्रिदेव त्रिदेवी। तब जाकर के उन्होंने फिर युद्ध लड़ा तो वो तीसरी संतान के रूप में आए, हम सबके आप सबके आराध्य दत्तात्रेय भगवान। बोलो दत्तात्रेय महाराज की। उनके अंदर तीनों गुण थे, कदा योगी कदा भोगी दिगंबर नमस्तुते, इन्हें आज की भाषा में बोले तो कभी आधुनिक ड्रेस में दिख जाएंगे, बिल्कुल आधुनिक, मोटरसाइकिल पर घूमते हुए जींस टी शर्ट पहने हुए, और अचानक अगले ही पल आप उनको देखेंगे तो किसी शमशान में भस्मी लगा करके शिव के ध्यान में बैठे हैं। इसलिए दत्तात्रेय को जितनी विद्याएं उन विद्याओं का महाअधिष्ठाता मान करके, जगत गुरु शंकराचार्य ने भी उनको परम गुरु मान करके अखाड़ों की स्थापना करी। तो आप आज के दिवस का आनंद लीजिए। एक एक प्रयोग बता देता हूँ, आजकल चिट्ठी पर्ची है ना, इनका दौर चल रहा है, एक प्रयोग बता देता हूँ। हम सब नाद और बिंदु के बने, साउंड के और लाइट के, प्रकाश के और ध्वनि के हम लोग बने। इन दो चीजों को आप ध्यान रख लीजिएगा। गुरु दत्तात्रेय का बीज मंत्र है ओम ध्राम। आप कभी इसको बोल के देखिए, मेरे साथ बोलेंगे कुछ देर जोर जोर से, कुछ जोर से बोलेंगे आप सभी, हाँ या ना? ओम ध्राम। अब इसको बहुत तेज से बोलिएगा, ओम ध्राम 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 ध्राम। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में डमरू की आवाज आने लग जाएगी। ये ध्वनि विज्ञान जो विजय जी ने बताया।